नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीडियो ऑल अप टू डेट पे। दोस्तों हम हाजिर हैं YouTube की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, क्रिएटर के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी, बहुत बेनिफिट होगा उनका। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं, तो अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों YouTube जो है अपने प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी अपडेट समय पे समय करता रहता है, कभी वॉच टाइम को लेके, कभी किसी को, कभी अभी चिल्ड्रन पॉलिसी चल रही है उसके लिए भी है। उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चिल्ड्रन पॉलिसी जो है वो क्या चीज़ है, उनकी प्राइवेसी के लिए क्या जो है एक्ट बनाया, क्या जो है रूल है। तो दोस्तों आज जो हम यूट्यूब की 5 बड़ी अपडेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हैं इस नवंबर माह 2019 की, और बहुत ही बड़ी अपडेट है जो सबको क्रिएटर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार आपके अपने चैनल वीडियो ऑल अप टू डेट पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में लगे घंटी के निशान को जब आप दबाते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं जानकारी की, और आज जो है यूट्यूब की लेटेस्ट 5 अपडेट नवंबर 2019 की हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लास्ट तक। तो यूट्यूब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो पहला अपडेट यूट्यूब ने किया है कि हम अपने चैनल पर कोई भी अगर आप वीडियो डालते हैं, तो उसमें आप किसी का कोई सॉन्ग यूज करते हैं, किसी का छोटा सा वीडियो यूज करते हैं, तो आपको कॉपीराइट जो है क्लेम आ जाता है। तो आपके कितने वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है, 2 पर 3 पर 4 पर 10 पर, तो ये आपको बार बार देखना पड़ता है कि मेरे कितने वीडियो के ऊपर जो है कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो यह है कि आपको कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पता होना चाहिए, कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो है 3 आने के बाद आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो कॉपीराइट क्लेम है उसमें आपको जो अपना रेवेन्यू जो है वो जो ओनर होता है उसको शेयर करना पड़ता है। तो अभी क्या है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कितनी वीडियो पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। आपको क्या करना है, अभी यूट्यूब ने वीटा वर्जन में जो है एक ऐसा ऑप्शन जो है लाया है कॉपीराइट क्लेम फ़िल्टर के नाम से, जिसमें आप जब फ़िल्टर को आप क्लिक करेंगे तो आपकी कितनी भी वीडियो के 5, 7, 10, 20 जितनी वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया होगा, तो एकदम से वो वीडियो आपके सामने हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम जो है वो अभी तक आ चुका है। दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो है यूट्यूब के मोनेटाइजेशन फीचर को लेके, कि कोई भी क्रिएटर अगर नया चैनल बनाता है तो वो यही देखता रहता है कि मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है वो कब कंप्लीट होगा, कब मेरे 4000 घंटे जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो, कब सब्सक्राइब हो, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है वो तो दिखते रहते हैं लेकिन वॉच टाइम जो है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए YouTube ने अभी जो है YouTube का जो वीटा वर्जन वीटा स्टूडियो है उसमें एक जो आप मोनेटाइजेशन सेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक रिमाइंडर का ऑप्शन आता है, आप रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं। तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, जब भी आपका जो है 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिमाइंडर के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि मेरा जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है उसमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब की प्राइवेट जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके चैनल पर ऐड आ जाएगा, आपका अपना पैसा जो है उसे कमाने लग जाएंगे। तो नंबर 3 जो अपडेट है वो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट को लेके। दोस्तों जब आप किसी भी चैनल का वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करते हैं, तो आपके वीडियो की जो आपने जितनी वीडियो लाइक की हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बन जाती है, वो आपको भी पता होगा। तो पहले क्या था, हम ये प्लेलिस्ट को पब्लिक और प्राइवेट दोनों कर सकते थे, लेकिन अभी यूट्यूब ने ये अधिकार जो है अपने ऊपर रखा है कि अभी आप जो है आपके लाइक की गई वीडियो को जो है पब्लिक नहीं कर पाएंगे, वो आपकी जो प्राइवेट हैं वो आपकी प्राइवेट की प्राइवेट ही रह जाएंगी। तो नंबर 4 जो अपडेट है दोस्तों वो है बहुत बड़ी अपडेट यूट्यूब वीडियो प्रमोशन को लेके, कि पहले जो नए क्रिएटर थे वो अपना चैनल बनाते थे तो वो अपने वीडियो को प्रमोशन करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते थे, कभी किसी चैनल को बोलते थे, कभी जो गूगल का जो उसमें एडवर्ड है उसके माध्यम से भी जो है अपनी वीडियो को प्रमोशन करवाते थे, प्रमोट कराते थे, जिससे कि उनको वॉच टाइम मिल सके, उनके चैनल के सब्सक्राइब बढ़ जाए, वॉच टाइम मिल जाए, तो प्रमोशन हो जाए उनके चैनल का। लेकिन अभी यूट्यूब ने जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है यूट्यूब, कि अभी कुछ चैनलों को जो है एक फ़ीचर दिया जाएगा जिसमें वो अपने दूसरे चैनलों की वीडियो को भी जो है रीपोस्ट कर सकते हैं, रिपब्लिक कर सकते हैं, रीपोस्ट कर देंगे,
कि जैसे जो उसको रिपोस्ट करेंगे तो वो उनको उस चैनल का जो है जिस चैनल का वीडियो होगा उसका प्रमोशन होगा, उसके वीडियो को वॉच टाइम मिलेगा, उस चैनल को वॉच टाइम। ये नया अपडेट जो है यूट्यूब जो है अपने प्लेटफॉर्म पर करने जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कुछ ही चैनलों को ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आगे जनवरी माह में जाके ये सभी चैनलों को देने का यूट्यूब का बोला है कि सभी चैनलों को ऐसा फीचर जो है वो दिया जाएगा, जिससे वो दूसरे चैनलों की वीडियो को भी जो है रिपोस्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों पांचवा जो अपडेट है वीटा वर्जन के बारे में है कि काफ़ी लंबे समय से, एक साल से तकरीबन ये चल रहा है कि यूट्यूब का वीटा वर्जन जो है, वीटा स्टूडियो जो है वो लागू होगा, क्लासिक स्टूडियो बंद हो जाएगा। तो अभी यूट्यूब ने एकदम से फाइनल कर दिया, पक्का कर दिया है कि अभी यूट्यूब का जो क्लासिक स्टूडियो है उसको बंद कर दिया जाएगा। अभी यूट्यूब कुछ परसेंट चैनलों के ऊपर डिफ़ॉल्ट बीटा स्टूडियो का जो है वो कर दिया जाएगा और क्लासिक जो स्टूडियो है वो बंद कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। किस किस चैनल पर जो है ये डिफ़ॉल्ट बीटा स्टूडियो जो है मिलता है वो आपको देख लेना है। जिस पे मिल जाएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे जुद बताएगा कि हमारे चैनल को जो है बीटा वर्जन, बीटा स्टूडियो जो है वो मिल चुका है डिफ़ॉल्ट का, और जिस जिसका क्लासिकल स्टूडियो हट जाता है तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत बड़ी अपडेट यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब ने पांच जो बड़े अपडेट किए हैं अपने मोनेटाइजेशन को लेके, बीटा वर्जन को लेके, प्लेलिस्ट को लेके और जो कॉपीराइट क्लेम को लेके और इस प्रकार के जो वीडियो प्रमोशन है उसको लेके। तो दोस्तों ये हमने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि सभी क्रिएटर के लिए जो भी अपडेट आती है वो जाननी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये अपडेट YouTube की कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीडियो ऑल अप टू डेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।